नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मॉन्की पॉक्स के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खतरे वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। भारत की 3 और आर्द्र भूमियां रामसर साइट्स की सूची में शामिल की गई। इसरो ने भू अवलोकन उपग्रह EOS-08 लॉन्च किया। एक हालिया स्टडी में इंसानों की असामयिक मौतों को गिद्धों की घटती संख्या से जोड़कर देखा गया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुसार अगली औद्योगिक क्रांति जैव अर्थव्यवस्था से प्रेरित होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली NPSS का उद्घाटन किया। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और रुख करते हैं पहली मुख्य खबर की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मॉन्की पॉक्स के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खतरे वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल PHEIC घोषित किया। WHO ने यह फैसला इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन IHR इमरजेंसी कमेटी की सलाह पर लिया है। यह निर्णय डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC और अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स के बढ़ते प्रकोप को देखने के बाद लिया गया है। एमपॉक्स को पिछले 2 सालों में दूसरी बार वैश्विक PHEIC घोषित किया गया है। चलिए सबसे पहले एमपॉक्स के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये एक वायरल डिजीज है जो मॉन्की पॉक्स वायरस के कारण होता है। ये वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित है। इस रोग को इंसानों में पहली बार 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखा गया था। ये रोग संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से फैलता है। इसमें रोगी फ्लू जैसे लक्षणों से पीड़ित हो जाता है और उसकी त्वचा पर मवाद भरे घाव उत्पन्न हो जाते हैं। इस रोग के अधिकांश मामले मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में दर्ज किए जाते हैं। यह मुख्य रूप से समलैंगिक और बाइसेक्सुअल लोगों आदि को प्रभावित करता है। ऐसे में चेचक के लिए विकसित टीके और उपचार को विशेष परिस्थितियों में कुछ देशों में एमपॉक्स के इलाज हेतु स्वीकृत किया जा सकता है। इसके बाद अब बात करते हैं PHEIC के बारे में। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के अनुसार कुछ मानदंडों के आधार पर किसी रोग को PHEIC घोषित किया जाता है। जैसे कि यदि किसी रोग का प्रकोप असामान्य या अप्रत्याशित है, इस रोग के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने की संभावना है और उस रोग के विरुद्ध तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई करना अनिवार्य है। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता है। इसमें WHO के सभी सदस्य देशों सहित दुनिया भर के 196 देश शामिल हैं। PHEIC विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के तहत जारी किया जाने वाला सबसे उच्च स्तर का अलर्ट है। 2009 के बाद से WHO ने 7 रोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। ये 7 रोग हैं: H1N1 इन्फ्लुएंजा वैश्विक महामारी, पोलियो का प्रकोप, पश्चिम अफ्रीका और कांगो में फैला इबोला का प्रकोप, जीका महामारी, COVID-19 और एमपॉक्स। चलिए बात करते हैं अगले मुख्य खबर के बारे में। भारत की 3 और आर्द्र भूमियां रामसर साइट्स की सूची में शामिल की गई। खबर को समझते हैं और सबसे पहले ये 3 नई आर्द्र भूमियां कौन सी हैं ये जानते हैं। पहली आर्द्र भूमि है नंजारण पक्षी अभयारण्य, जो तमिलनाडु में स्थित है। नंजारण झील जो एक बड़ी उथली आर्द्र भूमि है, राजा नंजारण के नाम पर है, जिन्होंने इसके जीर्णोद्धार और मरम्मत का कार्य करवाया था। इस झील में जल की आपूर्ति मुख्य रूप से वर्षा के जल से होती है, जो नल्लर नदी के माध्यम से झील तक पहुंचता है। यह आर्द्र भूमि स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के लिए भोजन और पर्यावास का मुख्य स्रोत है और साथ ही कृषि के लिए भी जल का प्रमुख स्रोत है। दूसरी आर्द्र भूमि है कजुवेली पक्षी अभयारण्य, जो तमिलनाडु में पौंडीचेरी के उत्तर में कोरोमंडल तट पर स्थित एक खारे पानी की उथली झील है। यह झील उप्पुकली क्रीक और एडियंथिटू एस्टूरी द्वारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। कजुवेली पक्षी अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे में स्थित है और पक्षियों व मछलियों के लिए प्रजनन हेतु एक महत्वपूर्ण पर्यावास स्थल है। यहाँ जलभृत पुनर्भरण के साथ साथ अत्यधिक क्षीण हो चुके मैंग्रोव क्षेत्र में एविसेनिया प्रजाति के मैंग्रोव भी पाए जाते हैं। तीसरी आर्द्र भूमि है तवा जलाशय, जो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में आता है। ये जलाशय सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर स्थित है और तवा और देनवा नदियों के संगम पर स्थित है।
तवा नदी नर्मदा नदी में बाईं तरफ से मिलने वाली एक सहायक नदी है जो महादेव पहाड़ियों से निकलती है। इस जलाशय में जल की आपूर्ति के अन्य मुख्य स्रोत मालनी, सोनभद्र और नागद्वारी नदियां हैं। आर्द्र भूमियों की बात करें तो ये जल के समृद्ध भू क्षेत्र होते हैं और रामसर साइट में शामिल होने के लिए किसी आर्द्र भूमि को निर्धारित 9 मानदंडों में से कम एक को पूरा करना होता है। इन मानदंडों में नियमित रूप से 20,000 या उससे अधिक जलीय पक्षियों को आश्रय प्रदान करना या जैविक विविधता का संरक्षण करना शामिल है। वर्तमान में भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या 85 हो गई है, जिसमें तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट्स हैं। तो ये थी आज की रामसर साइट से जुड़ी खबर, जो हमारे प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम को रेखांकित करती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इसरो ने भू अवलोकन यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह EOS-08 लॉन्च किया। ये उपग्रह SSLV-D3 या EOS-08 मिशन के तहत लॉन्च किया गया। इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV-D3 की मदद से लॉन्च किया गया है। ये उपग्रह पृथ्वी से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर वृत्ताकार निम्न कक्षा में 37.4 डिग्री के कोण यानी इंक्लिनेशन पर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। इस उपग्रह की मिशन लाइफ 1 वर्ष है। इसके अलावा SSLV-D3 प्रक्षेपण यान से SR-0 डेमोसेट भी लॉन्च किया गया। इसे स्पेस किड्स इंडिया ने तैयार किया है। सबसे पहले बात करते हैं लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 के बारे में। SSLV-D3 SSLV की तीसरी डेवलपमेंटल फ्लाइट है। SSLV 10 से 500 किलोग्राम वजन वाले मिनी, माइक्रो या नैनो सैटेलाइट्स को पृथ्वी से 500 किलोमीटर की प्लेनर ऑर्बिट में लॉन्च करने में सक्षम है। SSLV-D3 यान के पहले 3 चरणों में ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है, जो यान को बहुत तेजी से ऊपर की ओर धकेलता है। यान का अंतिम चरण या टर्मिनल चरण तरल ईंधन से संचालित होता है, जो यान को अपनी कक्षा तक पहुंचने में मदद करता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण लाभ भी हैं, जैसे कि प्रक्षेपण की लागत में कमी आना, कम समय में दूसरे लॉन्च के लिए तैयार होना, कई प्रकार के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की क्षमता। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर क्विक लॉन्च भी किया जा सकता है। साथ ही उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए कम इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है आदि। चलिए अब खबर पर लौटते हैं और EOS-08 मिशन के उद्देश्यों को समझते हैं। पहला है माइक्रो सैटेलाइट के डिजाइन और विकास का परीक्षण करना, माइक्रो सैटेलाइट बस के अनुरूप पेलोड इंस्ट्रूमेंट्स बनाना और भविष्य के उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियां शामिल करना। EOS-08 मिशन में 3 तरह के पेलोड्स शामिल हैं। पहला है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड EOIR। यह मिड वेव और लॉन्ग वेव इंफ्रारेड बैंड में तस्वीरें लेगा। इससे आपदाओं की निगरानी करने और पर्यावरण पर नजर रखने जैसे कार्यों में मदद मिलेगी। दूसरा है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री GNSSR पेलोड। ये महासागर के ऊपर बहने वाली हवाओं, मृदा की नमी, हिमालय क्रायोस्फीयर आदि को मापने के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग करेगा। और तीसरा SICUV डोसीमीटर। ये गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल व्यूपोर्ट के ऊपर अल्ट्रावायलेट विकिरण की निगरानी करेगा। ये अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए हाई डोज अलार्म सेंसर के रूप में कार्य करेगा। आखिर में एक नजर डालते हैं पृथ्वी वेधशाला उपग्रह यानी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स EOS पर। EOS या अर्थ रिमोट सेंसिंग उपग्रह पृथ्वी के अवलोकन के लिए लॉन्च किए जाते हैं। पृथ्वी अवलोकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बारे में डेटा एकत्र किया जाता है। यह डेटा प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि बादल, जंगल, पहाड़ और मानव निर्मित संरचनाओं जैसे कि शहर, सड़कें, खेत दोनों के बारे में हो सकता है। इसके माध्यम से हम पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक और जैविक पहलुओं के साथ साथ मानवीय गतिविधियों के प्रभावों का भी अध्ययन कर सकते हैं। इसका उपयोग अर्ली वार्निंग सिस्टम, विभिन्न गतिविधियों का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की आदि निगरानी में किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगली मुख्य खबर की। एक हालिया स्टडी में इंसानों की असामयिक मौतों को गिधों की घटती संख्या से जोड़कर देखा गया है। आपको बता दें, वर्ष 2000 से 2005 के बीच लगभग 5 लाख इंसानों की असामयिक मृत्यु के पीछे भारत में गिधों की
फंक्शनल विलुप्ति को संभावित कारण बताया गया है। आपको बता दें कि फंक्शनल विलुप्ति यानी फंक्शनल एक्सटिंक्शन तब होती है जब किसी प्रजाति की संख्या इतनी कम हो जाती है कि वह प्रजाति अपने आसपास के इकोसिस्टम को प्रभावित नहीं कर पाती है। चलिए इस स्टडी के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। गिद्ध वास्तव में किस्टोन प्रजाति है जो अपने इकोसिस्टम को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मरे हुए जानवरों के शवों का भक्षण कर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं और जंगली कुत्तों जैसे अन्य स्कैवेंजर्स और रोग जनकों की आबादी को भी नियंत्रित करते हैं। गिद्धों की घटती संख्या के कारण पर्यावरण की स्वच्छता में कमी आई है, जिससे मानव स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न हुआ है। अध्ययन में पाया गया है कि इस स्थिति के कारण मानव मृत्यु दर में 4% से अधिक की वृद्धि हुई है। साथ ही मनुष्यों में बीमारियों के बढ़ने से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी संकट पैदा होता है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग $70 बिलियन का मौद्रिक नुकसान होता है। भारत में गिद्धों की प्रजातियों की बात करें तो ये मांस खाने वाली बड़ी पक्षी प्रजाति है। गिद्ध मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 3 प्रजातियां सिनेरियस गिद्ध, ग्रिफॉन गिद्ध, हिमालयन गिद्ध प्रवासी हैं। संरक्षण के दृष्टिकोण से गिद्धों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जिससे इन्हें भारत में सर्वोच्च संरक्षण प्राप्त है। हालांकि गिद्धों के समक्ष कुछ मुख्य खतरे भी मौजूद हैं, जैसे कि मानव जनित गतिविधियों के कारण इनके प्राकृतिक पर्यावास नष्ट हो रहे हैं। आहार की कमी भी एक मुख्य समस्या है। डिक्लोफेनाक दवा से इलाज वाले पशुओं के शव खाने से गिद्ध जहर की चपेट में आ जाते हैं। बिजली के तारों के संपर्क में आने से बड़ी संख्या में गिद्धों की मौत हो जाती है आदि। गिद्धों के संरक्षण के लिए कुछ मुख्य पहले भी शुरू की गई हैं। पशुओं के उपचार में डिक्लोफेनाक 2006, केटोप्रोफेन और एसीक्लोफेनाक 2023 दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत में गिद्ध संरक्षण के लिए एक्शन प्लान 2020-25 शुरू किया गया है। हरियाणा के पिंजौर में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र शुरू किया गया है। झारखंड के कोडरमा और महाराष्ट्र के रायगढ़ में गिद्ध रेस्टोरेंट स्थापित किए गए हैं। तो ये थी आज की विशेष रिपोर्ट, जो हमें याद दिलाती है कि पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण हमारे जीवन और स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर डालते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुसार अगली औद्योगिक क्रांति जैव अर्थव्यवस्था यानी बायो इकोनॉमी से प्रेरित होगी। केंद्रीय मंत्री ने यह विचार ग्लोबल बायो इंडिया 2024 के चौथे संस्करण में अपने संबोधन के दौरान रखा। ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी विभाग और इसकी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई जैव प्रौद्योगिकी उद्योग सहायता अनुसंधान परिषद यानी BIRAC द्वारा शुरू की गई एक रणनीतिक पहल है। खबर को बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए सबसे पहले बायो इकोनॉमी के बारे में चर्चा करते हैं। बायो इकोनॉमी जैविक संसाधनों जैसे कि पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, जैविक प्रक्रियाओं जैसे कि किण्वन, जैव संश्लेषण पर आधारित अर्थव्यवस्था का एक रूप है। बायो इकोनॉमी में इन संसाधनों और प्रक्रियाओं का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं तैयार की जाती हैं। इसका उद्देश्य सभी आर्थिक क्षेत्रों में संधारणीय तरीके से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करना है। इससे जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं बायो इंडस्ट्रियल, बायो फार्मा, बायो एग्रीकल्चर आदि। बायो इकोनॉमी की स्थिति को देखा जाए तो इसका आकार 2014 के $10 बिलियन से बढ़कर 2024 में $130 बिलियन से अधिक हो गया है। वहीं इसका आकार साल 2030 तक बढ़कर $300 बिलियन तक होने का अनुमान है। साथ ही बायो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 12वें स्थान पर है। आइए अब बायो इकोनॉमी का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। ये जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करती है, इससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है और संधारणीय पद्धतियों को बढ़ावा भी मिलता है। ये अपशिष्ट की मात्रा को कम करके और संसाधनों के दक्षतापूर्ण उपयोग को अधिकतम करके चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी देती है। जैसे कि कृषि अपशिष्ट को बायोगैस में परिवर्तित किया जा सकता है। बायो इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भारत के GDP में 4% का योगदान करती है और 2 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार भी प्रदान करती है।
जैव आधारित प्रौद्योगिकियों में प्रगति से कृषि उत्पादकता, कीट प्रतिरोध, खाद्य सुरक्षा आदि को बढ़ावा मिल सकता है। बायो इकोनॉमी क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों की बात करें तो इसमें विनियामकीय व्यवस्था के मामले में अनिश्चितता और इससे जुड़े उद्योगों के लिए एक समान मानकों का अभाव प्रमुख है। साथ ही इससे जुड़े अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्रों की कमी है और अनुसंधान एवं विकास के लिए पर्याप्त धन का आवंटन भी नहीं किया जाता है। इसके अलावा इसमें जिम्मेदारीपूर्ण अनुसंधान और नवाचार के सिद्धांत पर आधारित कुछ नैतिक चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि आनुवंशिक संशोधन करना आदि। अंत में हम जानते हैं कि बायो इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें और नीतियां कौन सी हैं। भारत में जैव प्रौद्योगिकी नवाचार के इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में BIRAC ने विभिन्न उद्योगों पर केंद्रित बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट स्कीम, बायोनेस्ट जैसी योजनाएं भी शुरू की हैं। अगला है नीतिगत उपाय। इसमें राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018, राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन, जैव अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय मिशन यानी नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी आदि शामिल है। साथ ही जैविक अनुसंधान विनियामक अनुमोदन पोर्टल BIORRAP भी शुरू किया गया है। ये पोर्टल जैविक अनुसंधान हेतु विनियामकीय मंजूरी प्रदान करने वाले एकल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। केंद्रीय कृषि मंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली यानी NPSS का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली कृषि क्षेत्र में कीटों से निपटने के लिए नियमित रूप से उचित सलाह प्रदान करेगी और एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ावा देगी। NPSS कृषि मंत्रालय के पादप संरक्षण, क्वारंटाइन और भंडारण निदेशालय के तहत कार्य करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस प्रणाली की आवश्यकता क्यों है। दरअसल कीटनाशकों के लिए रिटेल विक्रेताओं पर किसानों की अत्यधिक निर्भरता को कम करना और कीटनाशकों के अधिक उपयोग पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि कीटों के हमलों से 20% तक फसल खेत में ही नष्ट हो जाती है। ऐसे में NPSS किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कृषि में क्रांति ला सकता है। खाद्यान्न की कमी, जलवायु परिवर्तन और कम उपज जैसी समस्याओं से निपटने में AI उपयोगी समाधान साबित हो सकता है। AI के उपयोग से न केवल समस्याओं की पहचान जैसे कि AI फसलों में जल की कमी, कीट और रोगों के संक्रमण की पहचान आदि की जा सकती है, बल्कि यह मृदा के स्वास्थ्य का विश्लेषण करने, उर्वरक की मात्रा और समय तय करने और यहाँ तक कि फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी के लिए भी मददगार है। उदाहरण के तौर पर SENSA GRI यानी सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर का विकास एक बेहतरीन पहल है। AI न केवल समस्याओं की पहचान में बल्कि मौसम संबंधी सलाह, सिंचाई के लिए उपयुक्त समय बताने और उपज का पूर्व अनुमान लगाने में भी सहायक है। भारत की एग्री ऐप जैसी सेवाएं पहले से ही किसानों को अर्ली वार्निंग और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर रही हैं। लेकिन इस क्षेत्र में चुनौतियां भी कम नहीं है। नीतिगत समस्याएं जैसे डेटा गवर्नेंस, डेटा के उपयोग का अधिकार, नीतियों को लागू करने, विनियमन आदि के मामले में कानून में स्पष्टता का अभाव है। किसानों का नजरिया भी एक चुनौती है। अधिकतर किसान किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से बचते हैं। साथ ही वे बदलाव का विरोध करते हैं और नई तकनीकों पर जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, भारत में सीमांत किसानों की संख्या अधिक है और डिजिटल डिवाइड भी मौजूद है। नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में मददगार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने से लघु किसान इन तकनीकों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। नई मशीनों के लिए शुरुआत में अधिक व्यय की जरूरत है। इस वजह से कम भूमि जोत वाले किसान नई मशीन नहीं खरीद पाते हैं। अब आगे की राह की बात करें तो अनुसंधान और अवसंरचना में लगातार निवेश करने की जरूरत है। भौगोलिक क्षेत्र की जरूरत के अनुसार AI मॉडल और एप्लीकेशन विकसित करने के लिए शोध संस्थानों को वित्तीय सहायता और सब्सिडी दी जानी चाहिए। अंत में कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मुख्य पहले भी जान लेते हैं। पहली है किसान ई मित्र। यह AI आधारित चैटबॉट है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में किसानों के सवालों का जवाब देता है। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने AI फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन यानी AI फॉर AI पहल शुरू की है।
इस पहल के तहत तेलंगाना में कृषि में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सागू बागू पहल शुरू की गई है। सैटेलाइट डेटा सेट का उपयोग करके धान और गेहूं जैसी फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए AI आधारित एनालिटिक्स शुरू की गई है। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं अरबिंदो घोष। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने श्री अरबिंदो को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री अरबिंदो घोष, जिनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता, कवि, दार्शनिक और योगी थे। उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को आगे बढ़ाया। श्री अरबिंदो युवा क्लब अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और 1908 में अलीपुर बम केस के सिलसिले में गिरफ्तार भी हुए थे। उनका जुड़ाव जुगांतर, बंदे मातरम और कर्मयोगी जैसी पत्रिकाओं से भी रहा है। 1926 में उन्होंने पौंडीचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की, जहां से उन्होंने एकात्म योग प्रणाली की संकल्पना प्रस्तुत की और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की अवधारणा पर भी बल दिया। उनकी प्रमुख कृतियों में द लाइफ डिवाइन, सावित्री, एस्से ऑन गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा और डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर शामिल हैं। श्री अरबिंदो के जीवन और कार्य में दृढ़ता, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद और बलिदान जैसे मूल्य समाहित थे, जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने श्री अरबिंदो की इन महान विरासतों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम सभी को उनके आदर्शों का अनुसरण करने का संकल्प लेना चाहिए। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल की एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया है कि प्रोकैरियोट्स में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल होने की अधिक क्षमता है और वे समुद्री इकोसिस्टम पर हावी हो सकते हैं। प्रोकैरियोट्स एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। बैक्टीरिया और नीले हरित शैवाल इनके प्रमुख उदाहरण है। हाल की एक स्टडी के अनुसार माइक्रोवेव ओवन जैसे एक्सट्रीम वातावरण में भी सूक्ष्म जीव और एक्सट्रीमोफाइल्स पनपते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स ऐसे जीव हैं जो उच्च दाब, उच्च तापमान, उच्च विकिरण, उच्च लवणता जैसे एक्सट्रीम वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार कृषि औद्योगिक अपशिष्ट से ग्रीन सबस्ट्रेट का उपयोग करके बायोसर्फेक्टेंट का उत्पादन किया जा सकता है। सर्फेक्टेंट सरफेस एक्टिव एजेंट का एक ऐसा पदार्थ है जो किसी तरल पदार्थ में मिलाने पर उसके सतही तनाव को कम कर देता है। इससे तरल पदार्थ के फैलने और भिगोने के गुणों में वृद्धि हो जाती है। डेंगियोल नामक स्वदेशी टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत की गई है। ये ट्रायल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और पेनेशिया बायोटेक द्वारा किया जाएगा। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी प्रदान की है। पुरस्कारों का वरीयता क्रम है परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। इन पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में 2 बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की जाती है। उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह मानवीय उपायों की वजह से होने वाले पारिस्थितिकी विकास का मूल्यांकन करने का एक नया तरीका है। पटना में कैलिफोर्नियम युक्त एक संदिग्ध पैकेज जब्त किया गया। ये चांदी जैसा सफेद सिंथेटिक रेडियोधर्मी तत्व है। इसकी परमाणु संख्या 98 है। सिंथेटिक तत्व आवर्त सारणी के ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है। मुंबई के दहिसर और कांदिवली को अमृत भारत स्टेशन डेवलपमेंट प्लान में शामिल किया गया है। ये रेल मंत्रालय की एक पहल है। यात्रियों को एडवांस और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए रेलवे स्टेशनों का विकास या उन्हें अपग्रेड करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।